आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण रिपोर्ट की जो शिक्षा पर से आधारित है और इसका नाम है एस। ठीक है, तो ये यहाँ पर हिंदी में लिखा है ए आई एस एच ई, है ना, एस एच ई। तो ये एस रिपोर्ट है जो 2020-21, ये देखो यहाँ पे लिखा है। तो इस पे आज हम चर्चा करेंगे जो ये हाल ही में आई है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाने की पूरी संभावना है। तो देखते हैं इस रिपोर्ट में कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से ये रिपोर्ट जो है पब्लिश की जाती है और ये रिपोर्ट में यहाँ पे बता दूँ कि 2010-11 से जो है पब्लिश की जा रही है। ओके, आइए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पर देखते हैं क्या इसमें बाहर आया निकल के। ठीक, तो जो है शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा पर, ये हायर एजुकेशन पे है, अखिल भारतीय सर्वेक्षण, ठीक है, अभी जो मैंने ये कीवर्ड बताया यहाँ पे एस, इसका फुल फॉर्म होगा ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, है ना। तो ये रिपोर्ट निकल के आई है, आइए देखते हैं इसमें क्या चीज़ें नई देखने को मिलेंगी। तो उच्च शिक्षा में नामांकन जो है बढ़कर 4.14 करोड़ हुआ, पहली बार 4 करोड़ के आंकड़े को पार किया गया। 2019-20 से 7.5% की जो है वृद्धि हुई, 2014-15 से 21% की बढ़त हुई। इसके बाद छात्राओं का नामांकन 2 करोड़ तक पहुंचा और इसमें जो है 2019-20 से 13 लाख की वृद्धि हुई। इसके बाद आगे बताया गया रिपोर्ट में कि वर्ष 2014-15 की तुलना में 2020-21 में अनुसूचित जाति यानी कि एससी के छात्रों के नामांकन में 28% और अनुसूचित जाति की छात्राओं के नामांकन में 38% की जो है महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं, वर्ष 2014-15 की तुलना में 2020-21 में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के छात्रों के नामांकन में 47% और अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के नामांकन में 63.4% की वृद्धि हुई। कितनी? 63.4% की वृद्धि हुई। आगे देखते हैं, 2014-15 से अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, है ना, अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के नामांकन में 32% और अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के नामांकन में 39% की महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई। इसके बाद आगे बताया गया है कि 2014-15 से पूर्वोत्तर क्षेत्र में 2020-21 में छात्राओं के नामांकन में 29% और छात्राओं के नामांकन में 34% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें डिस्कशन की गई, कुछ और एक दो जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कशन करूँगा। ठीक है, आइए देखते हैं वो कौन सी बातें हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जी पी आई ये एक इंडेक्स है जिसका फुल फॉर्म है जेंडर पैरिटी इंडेक्स। ये बताया गया है कि इसमें बढ़ोतरी हुई है और इस इंडेक्स में जो है 2017 में ये 0.1 था और 2020-21 में ये बढ़कर कितना हो गया है, 2020-21 में बढ़कर 1.05 हो गया है, है ना। जी पी आई इंडेक्स 2020-21, है ना, कि तुलना जो है 2021 में 1.05 हो गया है। ठीक, और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, पंजीकृत कुल विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी हो गई है। पंजीकृत कुल विश्वविद्यालयों की संख्या जो है इस रिपोर्ट के अनुसार हो गई है बढ़कर कितनी, 1113, है ना। इसके बाद और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि कॉलेजों की संख्या जो है कितनी हो गई है जो पंजीकृत हैं, 43,796 कॉलेजों की संख्या हो गई है टोटल इस रिपोर्ट के अनुसार। इसके बाद बताया गया कि 18 से 23 आयु वर्ग के लिए प्रति लाख कॉलेजों की संख्या, 18 से 23 आयु वर्ग के लिए प्रति लाख कॉलेजों की संख्या हो गई है 31, जो कि जो है 2014-15 में कितनी थी, 27 थी, है ना। तो
तो अब कितनी हो गई है, 31 हो गई है। ठीक, तो यहाँ पर सर्वाधिक जो है विश्वविद्यालयों की अगर बात करें तो सर्वाधिक विश्वविद्यालय इसमें बताए गए हैं कि राजस्थान में हैं। कहाँ पर? राजस्थान में। और संख्या बताई गई है कि 92 है ना। टॉप 3 में अगर हम बात करें तो राजस्थान यानी कि RS, इसके बाद यूपी, यूपी में 86 विश्वविद्यालय बताए गए हैं। इसके बाद जो है गुजरात, है ना कि गुजरात, गुजरात में कितने हैं? 83 विश्वविद्यालय बताए गए हैं, यानी कि राजस्थान में 92 और यूपी में 84, गुजरात में 83। तो सर्वाधिक विश्वविद्यालयों की संख्या इन 3 राज्यों में है। ठीक है, कॉलेजों की संख्या की बात करें तो कॉलेजों में यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक कॉलेजों के मामले में शीर्ष 3 राज्य हैं। इसके बाद हम बात करें GER की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है रिपोर्ट का, तो GER यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। तो ये जो है 2021 में, 2019-20 में जो है ये कितना था? 27.1 था, जो अब बढ़कर 2021 में कितना हो गया है? 27.3 हो गया है, यानी कि 2 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। तो ये थे इस रिपोर्ट की कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।